डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सबों को दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ और मुबारकबाद। क्यों ना आज हम लोग एक शपथ लें कि बचे हुए दिनों में हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि रिजल्ट में हमारा नाम होगा और तब हम कहीं बड़ी और उत्सवी दीपावली मनाएंगे। ये संभव है, तो चलिए इससे संभव करने के लिए हम लोग आज के इन टॉपिक्स को देखते हैं जो हमें करना अनिवार्य है। अब 6 टॉपिक्स चल रहे हैं, कल एक टॉपिक मिस हो गया था, मूल अधिकार वाला, जो हमने लिखा नहीं था। हालांकि हमने कहा था लेकिन हमने लिखा नहीं था, तो आज वो इंक्लूड होगा। 6 टॉपिक्स हैं, इनमें 5 आपके रिवीजन के टॉपिक्स हैं, मात्र एक टॉपिक आपके लिए नया होगा। इनमें पहला टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री से मौर्य साम्राज्य। अब देखिए, ये बेहद खास, बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे बनता है। तो इसमें पूरा आप चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, तीनों जो बड़े सम्राट हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल्स लेंगे। शासन व्यवस्था क्या थी, क्या क्या है, इस समय युद्ध हुए, कौन सी घोषणाएं हुई। अशोक के समय तो बहुत सारा कार्य हुआ, कला के क्षेत्र में भी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, साथ ही उसकी धम्म नीति, उसके बाद शिला लेखों में किस तरह से अलग अलग उसने में क्या कुछ लिखा, क्या उसकी भावना थी, ये हमें समझना चाहिए। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है उसका जो सारा घटनाक्रम है, उसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके प्रशासन पर आप खास ध्यान रखेंगे, कौन सा अधिकारी क्या कहलाता था, ये सब एग्जाम्स में आ जाते हैं। पिछली बार ही पूछा था कि समाहर्ता क्या था, तो इस तरह के शब्द आपको एग्जाम में दिखेंगे। दूसरा टॉपिक हमने मॉडर्न से लिया है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, 1857 1857 का महासंग्राम, अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ बुक्स भी देखिए इस महासंग्राम पर लिखे गए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो किसने लिखा है, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस क्षेत्र में क्या विद्रोह हुए, किसने विद्रोहों को दबाया, कौन नेतृत्व कर रहा था, बहादुर शाह जफर का इसमें क्या भूमिका थी, उसके बाद मेरठ में कैसे विद्रोह हुआ, मंगल पांडे ने क्यों विद्रोह किया, तो ये सब बातें महत्वपूर्ण है, इसे आप समझ कर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का एक टॉपिक हम लोगों ने ले लिया है, नदियाँ, रिवर्स। थर्ड टॉपिक अगेन देखिए फिर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये कि आज का आपका ये शेड्यूल बहुत हेक्टिक होने वाला है। रिवर्स जो हम लोग पहले कर चुके हैं फिर से करेंगे, तीनों नदी तंत्र जो है, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और गंगा, इस पूरे रिवर सिस्टम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। ये बुक्स में जब आप पढ़ेंगे समझ में आएगा, इसमें नहीं समझने वाला कुछ भी नहीं है। इनके सारे जो सहायक नदियां हैं, कहां से निकलती हैं, कहां गिरती हैं, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है किस रिवर पे, इसे आप डिटेल में करेंगे। उसके बाद साइंस में हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक न्यूट्रिशन है, यानी पोषण, पोषक पदार्थ शरीर के विकास के लिए और रोगों से लड़ने के लिए जो 5 महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ हैं, जिन्हें हम विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सब इस रूप में समझते हैं, इन्हें आप अच्छे से समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट बड़ा टॉपिक हो जाता है जब इसमें आप पढ़ेंगे, काफ़ी इसमें डिविजन्स हैं, तो इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। मिनरल्स क्या है, ये सब बहुत शॉर्ट में आपके गाइड बुक में दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन अगेन बनता है, तो आप इसे अच्छे से करें। उसके बाद मूल अधिकार हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी में लिया है, तो आप आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये आप करेंगे, 35 तक सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। विदेशियों कौन मिले हुए हैं, राष्ट्र जो हमारा देसी नागरिक हैं उनको कौन सा स्पेशल राइट्स मिला हुआ है, आर्टिकल 19 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका 23-24 और आर्टिकल 32 जिसमें 5 प्रकार के रिट्स जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ये बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। उसके बाद आर्टिकल 15 और 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिजर्वेशन का कंसेप्ट आता है शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में, तो ये भी हम समझेंगे। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये सब समझना है। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट इस पर क्या है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट में जो 6 टॉपिक है वो टॉपिक आपका बिहार से रिलेटेड है, जिसमें हमने परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट को लिया है, यानी नेशनल हाईवे और रेलवेज, सड़क और रेलवे, साथ में आप जलमार्ग भी, शॉर्ट में दिया हुआ है, जलमार्ग भी आप कर लेंगे, तो 3 सेक्शंस करेंगे। देखिए रेलवे पर बीपीएससी में एक साल आया था कि बिहार में रेलवे की का प्रारंभ किस रीजन से हुआ, एक साल पूछ दिया था कि बिहार में रेलवे का प्रारंभ किस साल हुआ,
तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है, प्लस नेशनल हाईवेज पर रेगुलर क्वेश्चन रह रहा है, एनएच बिहार में क्या लंबाई है, कितने एनएच हैं बिहार में और इनके इनका क्या योगदान है। तो ये 6 टॉपिक्स आज के हैं, आप इन्हें अच्छे से करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए, बड़े भी टॉपिक्स हैं, अगर आप इसे कर लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम आप करते हैं। अब 10 से तो 6 टॉपिक्स हो चुके हैं, तो इन्हें आपको करना चाहिए। तो आज यहीं पे आपसे विदा लेंगे, अपना ध्यान रखें और रिवीजन पे फोकस्ड रहें। टेक केयर।